हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरपीएफ की एग्जाम डेट आ चुकी है एसआई कांस्टेबल की, और बहुत सारे बच्चे यहां पे मुझे लगातार मैसेज कर रहे थे कि अभी मैंने ग्रुप डी का जो क्रैश कोर्स बनाया था 15 वीडियो का, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। तो अभी बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे लिए भी क्रैश कोर्स बनाएं। तो बहुत ही मतलब कम टाइम में आपको 15 वीडियो में देने वाला हूँ। 15 वीडियो का क्रैश कोर्स होने वाला है रीजनिंग का, 15 वीडियो का क्रैश कोर्स होने वाला है आपका मैथ का, और 15 वीडियो का क्रैश कोर्स होने वाला है आपका जीके का। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक भी वीडियो को मिस नहीं करना है। पार्ट में डाल दूंगा उनके सभी के ऊपर, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, एक भी वीडियो को मिस मत करिएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ, रीजनिंग में सारे के सारे चैप्टर का जितना भी निचोड़ होता है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा 15 वीडियो में। मैथ में भी जितने भी एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे निचोड़ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा 15 वीडियो में। और जीके की जो ऑनलाइन टेस्ट जो आपका 10 से 11 बजे चलता है, उसको एक भी पार्ट को और एक भी दिन मत मिस करिएगा। 10 से 11 बजे जरूर ज्वाइन करिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। बहुत ही मेहनत से मैं वो टेस्ट सीरीज बनाता हूँ, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरे बच्चों को भी पता चल जाए कि क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है। और आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो आपको क्या करना है, नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और आज इस वीडियो में जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि जो ये मैं आपके लिए स्टेप ले रहा हूँ क्रैश कोर्स का, ये कैसा रहेगा और आपको कितना पसंद आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज की वीडियो को। और मैं आशा करता हूँ कि आप इस क्रैश कोर्स को पूरा सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और शेयर तो जरूर करेंगे अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप और जितने भी आपके फ्रेंड हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सबसे पहले क्वेश्चन की, बिल्कुल सिंपल से सिंपल और सारे हर टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे। ये सीरीज का क्वेश्चन, दी गई संख्या श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, आपको ये वाली संख्या निकालनी है। आपको दो तीन चीज़ें, देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है बट इससे मैं आपको मेथड बताऊंगा। आपको जब भी सीरीज का क्वेश्चन करना होता है उसमें दो तीन चीज़ों का ध्यान दीजिए कि सीरीज इंक्रीज है, डिक्रीज है, या फिर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हैं। तो इस सीरीज में क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इंक्रीजिंग कितनी स्पीड से है, एक एक चीज़ सुनते जाइएगा, इंक्रीज कितनी स्पीड से है। अगर इंक्रीजिंग बहुत स्पीड से हो रहा है तो इसका मतलब उसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि मल्टीप्लाई चल रहा होगा, या स्क्वायर क्यूब चल रहा होगा, या स्क्वायर क्यूब के साथ में मल्टीप्लाई चल रहा होगा। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर बहुत ही मतलब ये धीरे धीरे से है, देखिए अगर यहाँ पे देखिए 63, 72, 81, 90 बहुत ही धीरे धीरे से इंक्रीज हो रहा है, 100% मैं बोल सकता हूँ इसमें कुछ ना कुछ प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चला, इन दोनों का डिफरेंस देखिए 9 है, इन दोनों का डिफरेंस 9 है, इन दोनों का डिफरेंस 9 है। इसका मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि 63 में अगर 9 प्लस करें तो 72 हो जाएगा, 72 में प्लस 9 करें तो 81, 81 में प्लस 9 करें तो आपका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 90 में 9 प्लस करेंगे तो 99 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन बी राइट आंसर बन जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन वन था ये, क्वेश्चन नंबर टू देखिए आप साथ साथ में ट्राई भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर टू ट्राई करिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर टू बोल रहा है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुनिए। विषम संख्या यानी कि आपको इनमें से चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन तो ऐसे मिलेंगे जो कि सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, बट एक ऑप्शन होगा इनमें से जो एक उस सेम पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें क्या है, जैसे 95 लिखा है तो 95 में 19 पंजे कितना होता है 95। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 114 की तो 19 छंग 114। अगर मैं 152 की बात करूँ 19 अट्ठे 152, यानी कि ये सभी 19 के मल्टीपल है, बट 145 जो है, 145 जो है, ये 19 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर टू भी हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर थ्री है भाई, ठीक है ट्राई करिए जल्दी से। यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड, डिवाइड का अर्थ प्लस हो तो, यहाँ पे इस इक्वेशन को सोल्व करके बताइए। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पे डिवाइड लिखा है, डिवाइड को क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है डिवाइड का अर्थ प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिख दीजिए, और यहाँ पे क्या बोला, मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड का अर्थ यहाँ पे प्लस बोला तो प्लस कर दीजिए, बस इस इक्वेशन को सोल्व कर दीजिए। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए यहाँ पे जो सीरीज होती है ना, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती है, बहुत ही सिंपल होती है। बस समझने का क्या है, जैसे जैसे इन्होंने साइन चेंज करने के लिए बोले हमने वो चेंज कर दिए। यहाँ पे बोर्ड मास के रूल का आप यूज करेंगे, बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, सबसे पहले अगर कोई ब्रैकेट है उसको सोल्व करिए, फिर ऑफ वाली मल्टीप्लाई को सोल्व करिए,
उसके बाद डिवाइड करिए, उसके बाद मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद ऐड करिए और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस करिए। तो इस तरीके से फॉलो करते हुए आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करेंगे, कभी गलत नहीं होगा। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, ऑफ वाली मल्टीप्लाई नहीं है, तो डिवाइड है तो डिवाइड करेंगे, 6 से 6 जाएगा एक बार, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 2 + 1 + 2, ठीक है। तो इन सभी को प्लस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 5, तो आपका 5 राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा सिंपल था, ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन नहीं था, इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आपके एग्जाम में ना भी आए, बट आपको एक यहाँ पे पैटर्न पता चल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए ये लिखा है चॉकलेट, और यहाँ से आपको बताना है कि चॉकलेट वर्ड से इन चारों में से कौन सा वर्ड बन सकता है। ध्यान से सुनिएगा क्या बोला मैंने, बन सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पहले ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन से मैं ट्राई करके देखता हूँ, भाई इसमें टी है, इसमें भी टी है, ई भी है, ठीक है, बट चॉकलेट में कहीं पे भी डबल एल नहीं है, क्योंकि एक एल तो हो जाएगा, दूसरा एल कहाँ से लेके आएंगे, तो ये तो नहीं बन सकता। हमें कौन सा या इन चारों में से बन सकता है वो हमें बताना है। फिर नेक्स्ट हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो एच है, ठीक है भाई एच भी है, ई भी है, ए भी है, एल भी है और टी भी है, बट दूसरा एच नहीं होता है क्योंकि चॉकलेट में सिर्फ एक एच होता है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। ऑप्शन सी पे चलते हैं, लेट। यहाँ पे क्या लिखा है कि आपका एल है, ठीक है, ए भी है, टी भी है और ई भी है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, कभी गलत नहीं होगा और आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का को चुनिए, यानी कि आपको क्या बताना है, एनालॉगी का एक क्वेश्चन है, 100% एक क्वेश्चन तो इस टाइप का आना है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके एग्जाम में, ये मेरे गारंटी है, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं अभी सारे के सारे उठा के, तो रीजनिंग बहुत ही सिंपल पूछी जाती है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप सारे के सारे आंसर सही करके आ सकते हैं, ये मतलब मैं बोल सकता हूँ रीजनिंग का पोर्शन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनके बीच में जो रिलेशन होगा बिल्कुल नेक्स्ट वही होगा। तो अगर मैं इनकी बात करूँ, एक बार ट्राई करके देखिए कौन सा ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का आंसर मुझे बताइए, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखिए ए आता है आपका यहाँ पे, मैं करूँ पहले पे, सी आता है तीसरे पे, ठीक है, ई आता है पाँचवें पे और जी आता है आपका सातवें पे, और यहाँ पे ये क्या है, जेड आपका आता है 26 पे। देखिए इनका मैं बात बता दूँ, अल्फ़ाबेट्स के नंबर से कोई मतलब नहीं है, बट आपको याद होने चाहिए। अगर आपको अल्फ़ाबेट के नंबर याद नहीं है तो मैं आपको हर एक वीडियो में एक चीज़ बताता हुआ आ रहा हूँ और अभी भी बताता हूँ कि ए से एम तक, एम के नीचे एन और जेड तक, इस तरीके से लिख के उनके ऊपर 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर डाल लीजिए, तो आपको अपोजिट वर्ड के साथ साथ में सारे नंबर्स भी याद हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसकी अगर मैं बात करूँ, ये सारे के सारे अपोजिट वर्ड है, जैसे ए का अपोजिट क्या होगा, जेड हो जाएगा, सी का अपोजिट क्या होगा, एक्स हो जाएगा, ई का अपोजिट वी हो जाएगा, जी का अपोजिट टी हो जाएगा। तो उसी तरीके से आई के एम ओ जो लिखा है, ठीक है, इसमें भी आप अपोजिट वर्ड देख लीजिए, ठीक है। तो आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर, तो मैं इसको यहाँ पे आर लिख देता हूँ। के का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, पी, ठीक है, तो यहाँ पे मैं पी लिख देता हूँ। और यहाँ पे एम का अपोजिट एन हो जाएगा और ओ का अपोजिट आपका एल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका देखिए इनमें से राइट आंसर कौन सा हो सकता है, इनमें से आर पी एन एल, आर पी एन एल, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है वेन डायग्राम का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्राई करिए जल्दी से एक बार, आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने इसका आंसर वीडियो को रोक करके ट्राई किया होगा जरूर। और इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति रसोई घर और बगीचे के मध्य संबंध को निरूपित करती है। तो यहाँ पे आपको किस किस के बीच में बताना है, रसोई घर और बगीचे। देखिए अगर मैं बात करूँ, घर एक अलग चीज़ है, रसोई एक अलग चीज़ है और बगीचा एक अलग चीज़ है, यानी कि तीनों तीनों अलग है। बट अगर मैं बात करूँ, घर के अंदर ही रसोई होती है, घर के अंदर ही रसोई होती है, बट बगीचा ये नहीं है कि बगीचा घर के अंदर ही होगा, ठीक है। तो बगीचा आपका अलग हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा वेन डायग्राम देखेंगे जो कि एक तो यहाँ पे अलग बिल्कुल शो हो रहा होगा और एक आपका रसोई और घर, क्योंकि घर के अंदर रसोई होती है ना। तो ये आप कुछ इस तरीके से वेन डायग्राम देखेंगे, तो सबसे पहले तो गलत, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि तीनों चीज़ को अलग अलग शो कर रहा है, रसोई और घर का बिल्कुल कंप्लीटली रिलेशन है। यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी नहीं हो सकता है,
और इसकी बात करूं मैं, ये भी नहीं हो सकता, ये सम वाली कंडीशन तो कभी भी नहीं हो सकती है, कुछ रसोई घर, घर कुछ रसोई, इस तरीके से नहीं हो सकते ना। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। देखिए, बाहर वाला वेन डायग्राम मैंने माना घर है, अंदर वाला रसोई है, और ये जो है आपका ये वाला, ये आपका बगीचा हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष से। इसमें बोला जा रहा है कुछ फोन घड़ियां होते हैं, सभी घड़ियां बंदूकें होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। कुछ फोन घड़ियां होते हैं, जैसे यहाँ पे आपने क्या किया कि आपने एक फोन का वेन डायग्राम बनाया और कुछ फोन घड़ियां होते हैं, तो आपने इस तरीके से उसको बना लिया, निरूपित कर लिया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सभी घड़ियां बंदूकें होते हैं, तो सभी की सभी घड़ियां बंदूकें कब हो सकती हैं, जब आपका घड़ी का वेन डायग्राम के ऊपर आपको बंदूक का वेन डायग्राम लेके आएंगे। तो देखिए, कुछ फोन घड़ियां हैं और सभी की सभी घड़ियां आपके बंदूक हैं, तो इस तरीके से आपका ये वेन डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इसमें यहाँ पे क्या है, निष्कर्ष में क्या क्या है, निष्कर्ष देख लेते हैं। सभी बंदूकें घड़ियां होती हैं, सभी बंदूकें घड़ियां होती हैं, तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि सभी के सभी बंदूकें घड़ियां कब हो सकती है, जब बंदूक के ऊपर को घड़ियों का वेन डायग्राम बन जाए, यानी कि जो गोला इसके अंदर है ना घड़ियों का, ये बंदूक के ऊपर को होता, तो तब कंडीशन होती कि सभी के सभी बंदूकें घड़ियां हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, दूसरे वाला बोला जा रहा है कि कुछ बंदूकें फोन होते हैं, तो ये आपका राइट हो जाएगा। कुछ बंदूकें, देखिए बंदूक का ये वेन डायग्राम है और फोन का ये है, तो कुछ बंदूकें, ये वाली कुछ वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, कुछ बंदूकें फोन है, तो आपका यहाँ पे केवल सेकंड वाला ही ऑप्शन सही रहेगा, यानी कि केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक डायरेक्शन का भी क्वेश्चन लिया है मैंने, और इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है विराट बिंदु ए से बी तक और पूर्व की दिशा में 8 किलोमीटर चल और फिर दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चल, सी बिंदु की ओर गया और फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर डी बिंदु की ओर गया, फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलकर बिंदु ई की ओर गया, ई बिंदु से वह बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलकर बिंदु एफ की ओर गया, बताएं कि वह उस बिंदु से कितनी दूरी पर है जहां से उसने चलना आरंभ किया था। देखिए, आप ना इस क्वेश्चन को कभी भी पढ़ के एकदम कंफ्यूज मत होइएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले चारों दिशाएं तो आपको पता ही है, फिर उसमें आपको क्या करना है कि जिस डायरेक्शन में बोला जाएगा मूव करने के लिए, उस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करिए। मतलब एक लाइन पढ़िए, उसका काम खत्म करिए, नेक्स्ट लाइन पे उसके बाद जाइए, ठीक है। अब एक बार के मैं पूरा क्वेश्चन रीड करके और आपको सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो कभी भी नहीं हो सकता है, और मतलब ज़्यादातर चांसेस हैं कि आप आंसर गलत ही निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, विराट बिंदु ए से बिंदु बी की ओर पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चला, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ए बिंदु से बी बिंदु तक 8 किलोमीटर पूर्व की डायरेक्शन में मैंने उसको चला दिया, ठीक है। बस इतना काम मेरा कहाँ तक खत्म हो चुका है, मेरा काम खत्म हो चुका है, चला यहाँ तक। अब और फिर दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चला, सी बिंदु की ओर गया, यानी कि अब यहाँ से दाएं मुड़ेगा, यानी कि राइट साइड में मुड़ेगा भाई। अगर वो यहाँ पे खड़ा है, आप खुद सोचिए कि अगर कोई बंदा इस डायरेक्शन में मुंह करके खड़ा है, तो उसका राइट साइड ये होगा, दाएं ये होगा, बाएं ये हो जाएगा। तो उसने यहाँ पे दाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया, तो यहाँ पे एक सी पॉइंट था, वो इस सी पॉइंट पे पहुंच गया। नो डाउट, यहाँ तक अभी तक कोई डाउट नहीं है ना आपको। चलिए, 12 किलोमीटर चलने के बाद में, अरे यार, 12 किलोमीटर चलने के बाद में बिंदु सी की ओर गया और फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला। अब मैं दो लाइन एक साथ पढ़ूंगा, देखिए यहाँ पे, फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला डी बिंदु तक और फिर वह दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चला बिंदु ई तक। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, उसको बिंदु सी से 4 किलोमीटर दाएं मुड़ा, डी पॉइंट पे चला गया, डी से उसने ई पॉइंट तक 8 किलोमीटर चला, ये वो यहाँ तक पहुँच चुका है, अभी ई पॉइंट पे वो पहुँच चुका है, और ई पॉइंट के ई बिंदु के बाद वह मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है एफ की ओर गया, यानी कि ई पॉइंट से भी वो मुड़ता है बाईं ओर और 4 किलोमीटर चलता है और अब पॉइंट एफ पे वो पहुँच जाता है। तो यहाँ से जब वो बाईं ओर मुड़ेगा, यानी कि लेफ्ट साइड में मुड़ेगा, तो 4 किलोमीटर कहाँ पे, एफ पॉइंट पे यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो जितना भी क्वेश्चन में डाटा दिया था वो हमने सब कुछ रीड कर लिया और उसके अकॉर्डिंग हमने पूरी लाइनें ड्रॉ कर ली है। अब देखते हैं क्या बोला गया है, एफ की ओर गया, बताएं वह उस बिंदु से कितना दूर है जहाँ से उसने चलना आरंभ किया था। अब आप ये खुद सोचिए कि ये पूरी की पूरी डिस्टेंस आपकी कितनी है, 12 है, ये कितनी है आपकी, ये वाली डिस्टेंस, ये आपकी 8 है।
अगर ये डिस्टेंस 8 है, ये पूरी 12 है, तो ये कितनी बच जाएगी? ये आपकी 4 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो ए से एफ तक यानी कि 4 किलोमीटर का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए ना? तो क्योंकि वो उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, यहाँ तक वो अभी है, ये पूरी 12 किलोमीटर है, ये पूरी 8 किलोमीटर है, तो ये 12 में से 8 को माइनस करें तो 4 आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आई थिंक ये 8वां या 9वां क्वेश्चन है, तो चलिए 8वां क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बताइए। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा भाई? ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाइए। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि 9, 8, 24, 4, 2, 6, 1, बड़ा कन्फ्यूजिंग सा लग रहा है। तो इस तरीके से देखिए, दो ही तरीके से क्वेश्चन सोल्व होता है, ये जो आपका होता है सर्किल में, या तो उसमें सीरीज कुछ इस तरीके से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चल रही होगी, या फिर वो आमने सामने से सोल्व होता है। ठीक है, आमने सामने से कैसे भाई? यहाँ पे तो 1 लिखा है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 लिखा है 8, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो यहाँ पे क्या, अगर मैं 1 की 4 में मल्टीप्लाई करूँ तो 4 है, ठीक है, 6 में 4 की मल्टीप्लाई करूँ तो 24 है, 2 में 4 की मल्टीप्लाई करूँ तो 8 है, और यहाँ पे 9 में किसकी मल्टीप्लाई करूँ, सॉरी 9 में 4 की मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 चौक 36, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, और इसको ट्राई करिए एक बार। दी गई उत्तर आकृतियों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही आकृति का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको ये जो सीरीज चल रही है, ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट बताना है कि क्या चल रहा है, मतलब क्या राइट आंसर होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए जो रिलेशन इसने फॉलो किया होगा वो ही हमें यहाँ पे फॉलो करना है। अगर मैं बात करूँ इस जेड की, ये जेड बिल्कुल वैसा ही है। अगर मैं बात करूँ इस वाले जेड की, तो ये वाला उल्टा हो गया, यानी कि इसका फेस ऊपर का था, इसको नीचे कर दिया, इसका ऊपर को हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इस चिन्ह की, ठीक है, ये चिन्ह आपका यहाँ था तो ये यहाँ पे आ गया, और ये वाला पूरा का पूरा घूम के यहाँ पे आ गया। बिल्कुल यही हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। अगर मैं बात करूँ इस जेड की, तो ये जेड बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसकी, अब इसकी हमें डायरेक्शन चेंज करनी होगी, बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में कोई भी ऐसा वेन डायग्राम, सॉरी डायग्राम नहीं दिया गया है जिसकी डायरेक्शन चेंज की गई होगी, क्योंकि ये वाले दोनों ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसका फेस दोनों का नीचे है, तो या तो ये इनका दोनों का ऊपर का होना चाहिए था, तो हम तब कुछ जाके सोच सकते थे, तो ये दोनों ऑप्शन तो आप रॉन्ग कर दीजिए। ठीक है, अब बचे आपके ये 2 ऑप्शन, इन दोनों ऑप्शन में भी आपका ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ये वाला चीज़ तो इन्होंने हटाई दी। अब बचा आपका ये वाला, तो ऑप्शन ऑप्शन राइट आंसर ये हो जाएगा। अब ये वाला हो गया है, दोनों बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, फिर आपका ये वाला जो ये है, ये तो यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आपने वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही दिया होगा। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन लेने के लिए रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ठीक है, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई भी आपका डाउट है वो पूछ लीजिएगा, मैं आपको दो दो बार चीज़ें बोल दी है सारी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।